गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं जो गोल्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल का, और जिस तरह से आप सोच रहे होंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी होने वाली है, तो पहली जो क्लास हमने ली थी वो थी सेंटेंस के बारे में। एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम मानते हैं कि सार्थक क्रम में अगर किसी भी बात को अगर हम बोलना चाहे, किसी को बताना चाहे, तो वो एक सार्थक क्रम में ही रखकर उसको पहुंचाते हैं और उसी को हम वाक्य कहते हैं। लेकिन आज हमें ये जानेंगे कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, काइंड ऑफ अ टेंसेस। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो वाक्य हैं वो उनके प्रकार पर बात करेंगे, सेंटेंस के प्रकार पर बात करेंगे हम। लेकिन बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे भी हिंट दूंगा, जैसे सी के आगे ई आई वाई आए तो ही उसका उच्चारण सह होता है, ये बात भी आप हमेशा याद रखें। आज हमारा टॉपिक क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी या काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो ध्यान रखिए, हम जब सेंटेंस को प्रयोग करते हैं, अब आपने एक नाम तो बार बार सुन ही लिया होगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इस तरह से ऑपिटेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो यही जो होते हैं वो मेन तौर से होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एसरेटिव नाम का भी एक सेंटेंस आता है। वैसे देखें तो एसरेटिव एक सेंटेंस होता है, सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो होता है एसरेटिव का। हम बाद में बात करेंगे टोटल प्रकार कितने होते हैं इनके, वो देखते हैं पहले। दूसरा होता है, आप सभी जानते ही होंगे, किसी भी वाक्य को कहने के लिए आपको अलग अलग तरीके से बोलना होता है, तो उसी तरह से हम इसको क्या कहते हैं, एक वाक्य और भी होता है जो हम बोलते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो होता है इंपेरेटिव। क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस भी हमारा एक जो है इसी का एक भाग है। और अगर हम एक और देखें तो वो होता है ओपिटेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ओपिटेटिव सेंटेंस। और अगर एक और देखें तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए यहां पर अगर हम एसरेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव की बात करें, इंपेरेटिव की बात करें, ऑपिटेटिव की बात करें, ये होते कौन कौन से हैं, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो नेगेटिव तो आया ही नहीं। देखिए, ये एसरेटिव सेंटेंस हैं। पहली चीज तो ध्यान से रखिए, इसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी एफर्मेटिव जो हमारा होता है सेंटेंस वो भी इसमें आता है, और नेगेटिव यानी जो जिसमें आप नॉट बोलते हैं, आप मना करते हैं, वो भी इसी में ही आता है। होता क्या है, जब आप किसी को कोई बात कहते हो, चाहे वो दृढ़तापूर्वक कहनी हो, चाहे वो नॉर्मल तरीके से कहनी हो, चाहे वो हां में कहनी हो, चाहे वो ना में कहनी हो, वो सारी की सारी बातें आपको एसरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अगर आप हां में कहते हो तो उसको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर आप ना में कहते हो तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। पहले तो इनको नॉलेज होना चाहिए हम इन बातों का कि सेंटेंस किस प्रकार का है, क्योंकि जब हम शुरुआत में बेसिक चीजें जानते हैं तो इससे बेसिक और क्या हो सकता है। लिखकर बताता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मान लीजिए आई टीच इंग्लिश। मैं आपको ये सेंटेंस बनाने भी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, किस तरह से इंग्लिश की हिंदी करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सब बातें हम जानेंगे धीरे धीरे। दूसरा, अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूं कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो ये कह सकता हूं आई डोंट टीच। क्या कह सकता हूं, आई डू नॉट टीच। लेकिन ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी हिंदी होगी मैं नहीं पढ़ाता हूं। क्या नहीं पढ़ाता हूं, अगर मैं इंग्लिश लिखना चाहूं तो आगे लिख सकता हूं आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं और मैं टीच करता हूं। दोनों ही बातें, ये दोनों ही बातें, अगर ये दोनों ही सेंटेंस की बात करें तो ये कहलाएंगे एसरेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे अगर हमें कहना हो, मैंने एक बात कही थी कि कोई बात दृढ़तापूर्वक कहनी हो, जिसमें इफेक्ट डालना हो, जिसमें इम्फेटिक सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, वो भी अगर हम इसमें बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे कहें कि आई डू टीच। अब आप सोचोगे ये तो डू तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब आप दृढ़तापूर्वक कोई बात कहते हैं तो वो भी इसी में गिनी जाती है। जैसे आई डू टीच का मतलब होता है मैं तो पढ़ाता हूं। क्या कहता है, इसका अर्थ होता है तो यहां पर, या जरूर। जैसे हम बात करते हैं किसी के साथ, यार तुम क्या इंग्लिश पढ़ाते हो,
अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो पढ़ाता हूं, ये मैं भी तो पढ़ाता हूं, ये इसकी इंग्लिश होती है, आई डू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे अगर कोई भी काम करने की अगर हम बात करें तो इस तरह से होता है, अगर मैं भी तो पढ़ाता था तो आई डिड टीच इंग्लिश। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी जो हमारा प्रकार आता है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है, व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चंस, तो जहां पर भी हम क्या पूछते हैं किसी से, प्रश्न पूछने की बात आती है, व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चंस देन वी शुड यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखें इस बात का कि जब हमें जरूरत होती है, व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब एनी इवेंट्स एनी टॉपिक देन वी शुड यूज एसरेटिव सेंटेंस, एंड व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन देन वी शुड यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें जब आपको जरूरत हो प्रश्न पूछने की। यहां आता क्या है, यहां पर आता है एक जो साइन होता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क का। जैसे प्रश्न इसी को अगर मैं कहूं कि क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं, तो डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। अगर हम मैं कहूं कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये पर्सन पूछ रहा है यहां से। अगर जब आपकी जो एक्जुलरी वर्ब्स होती हैं वो अगर सबसे पहले आती हैं और हमें इनको यूज करना भी पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज हेयर बिफोर सब्जेक्ट, तो अगर हमें इसको यूज करना पड़ेगा यहां पर, एक्जुलरी वर्ब सबसे पहले आती है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट मेन वर्ब आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क का निशान भी जरूरी होता है, तो इसलिए कहता है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो यहां पर ये प्रश्नवाचक बन गया, और ये निशान हो तो ये सोच लेना सेंटेंस भी प्रश्नवाचक ही है, इंटरोगेटिव है। अगर हम कहें कि एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर भी तो ये क्वेश्चन मार्क ही है। इसी तरह से आप और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे और जिस तरह से कह सकते हैं आप, वुड यू लाइक टी, चाय पसंद करते हो या चाय लेना पसंद करोगे, तो इस तरह की बातें हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक में और प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह से और भी कह सकते हैं, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से कह सकते हैं, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, ये प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तुम खेल रहे थे क्या, तो एक बात यही है कि वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम खेल रहे थे क्या, ऐसे बोल दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ वर आता है, इस वर को वेयर कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, सही प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो गया ये, तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा बात आती है वो कौन से की आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की, किसकी आती है, हम दोबारा इनको और देखेंगे एक बार, क्योंकि जब करने आएंगे इनके उदाहरण अच्छे तरीके से देखेंगे। ओपिटेट इंपेरेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिए माई डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कहूं कि खड़े हो जाओ, तो या फिर कहूं कि बाहर चले जाओ, या फिर हम जैसे हम बोलते हैं ना गेट आउट, ये बात तो आप बहुत ज्यादा जानते होगे, गेट आउट, ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। वॉश द क्लॉथ्स, या फिर मैं सेंटेंस लिखूं एक जिस तरह से कम हेयर, ध्यान रखो हेयर आता है वहां प्रेजेंट सिंपल ज्यादातर यूज टेंस होता है, कम हेयर, और देयर के साथ भी तो होता है। खैर आगे देखते हैं, या फिर मैं लिखूं गो देयर। अब बात एक देखो, सबसे पहले क्या आ रही है, मैन वर्ब आ रही है, मैन वर्ब आ रही है, और जब वर्ब पहले आए तो उस वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस अगर आप सोचो इसके पहले क्या होता है, बोलना होता है यू गेट आउट, यू वॉश द क्लॉथ्स, यू कम हेयर, यू गो देयर, ये सुनने वाला ही तो सुनता है दूसरे। यहां से मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं आपको ये तो कह सकता हूं ना गेट आउट, तो इसका मतलब आप सुन रहे हैं, इसी को कह रहा हूं। अब कोई यहां से बाहर बैठा है कोई जो सुन ही नहीं रहा हमारी बात, तो मैं उसको कैसे कह दूं बाहर चले जाओ, जो सुन रहा होगा उसी को, और सुन कौन रहा होता है, हमेशा यू ही सुनता है।
तो ध्यान रखना यहां पर यू भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा, यू वॉश द क्लॉथ्स तुम कर, लेकिन देखो एक अजीब सा लगता है बोलने में, मजा नहीं आता वैसा जैसा इसमें, गेट आउट, कम हेयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज फॉलो मी, जिस तरह से हर कोई आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब एस, तो इस तरह से सब्सक्राइब वर्ब का पहले यूज करते हैं, अगर प्लीज लगा देते हैं तो थोड़ा सा क्या है रिक्वेस्ट का भाव आता है उसमें। तो ये होते हैं हमारे क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें मेन वर्ब पहले आती है और वर्ब की पहचान यही होती है। जैसे वॉश का मतलब क्या होता है, धोना, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो नया आया इसके लास्ट में, जिस भी वर्ड मीनिंग का नया आए तो वो सारी मेन वर्ब ही होती हैं, ठीक है, क्रियाएं होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपिटेटिव की। ऑपिटेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब आप किस कहने का मतलब इच्छा, या फिर आप किसी को आशीर्वाद, ठीक है, ये सब बातें करते हैं ना, ये आशीर्वाद में तो इच्छा होती है ना, वैसे देखा जाए तो छुपा तो इसी में ही है। जैसे हम किसी के कुछ, जैसे मैं कहूं मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, अगर मैं कहूं मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, ए लॉन्ग लाइफ, अब देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं आपको क्या निशान कौन सा आता है, ये आता है, ठीक है, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, आप लंबी उम्र जिए, ठीक है ना, क्या करें आप लंबी उम्र हमेशा जिए, आप लंबे कई सालों तक जीवित रहे, तो यहां पर इच्छा भी तो व्यक्त कर रहा हूं ना मैं मेरी, और यहां पर मैं आपको आशीर्वाद भी दे रहा हूं, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, या फिर मैं कह सकता हूं मे यू गेट सक्सेस, तुम कहने का मतलब है तुम कामयाब हो, या फिर हम कह और भी इस तरह से बहुत सी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो जैसे शादियों पर देते हैं, तो ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आशीर्वाद देना हो या कोई भी हो इस तरह की कंडीशन, वहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, तो इस तरह की बातें, आपका आशीर्वाद रखे, तो सब बातें की जो जिक्र होता है वो सारे की सारी भगवान से रिलेटेड, जो भगवान ये करे, भगवान वो करे, आप ये हो, आप लंबी उम्र जिए, जो भी हम किसी के प्रति इच्छा करते हैं या घृणा करते हैं, जो भी हम ऐसी कंडीशन में आते हैं, वो सारी सारी ओपिटेटिव सेंटेंस में आती हैं। लास्ट बचता है कौन सा, बच गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है वो देखिए। देखिए पहली बात तो इस सेंटेंस में क्या बातें आती हैं, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में वो चीज़ें आती हैं जो अचानक से होती हैं, अचानक से का मतलब सडनली क्या होता है, जब हमारे मान लीजिए आपके कांटा चुभ गया, तो आप कहते हो जिस तरह से मूवी में देखते होंगे या कोई और देखते हैं, जैसे आप कहते हो ओ रे मेरे तो लग गई, ये जो ओरे शब्द का है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर इसी तरह से अगर हम कहें जिस तरह से वो नाटकों में गर्ल्स कहती हैं आउच, ये एक्सक्लेमेटरी भाव है जिसे आप छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच, ओनली यू कैन फील, तो जो चीज़ें सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और आपको अचानक सी हुई हैं, लगातार नहीं हो रही, अचानक सी हुई हैं और वो अचानक ही गायब हो जाती हैं एकदम से, उन चीज़ों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। जैसे देखो उफ मैं तो थक गया, इस तरह से जब हम मैच जीतते हैं, भारत इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता होगा और धोनी ने सिक्स लगाया होगा, तो सारे एकदम से खड़े हुए, हुर्रा हम जीत गए, हम वी वॉन, तो ये हुर्रा शब्द जो आते हैं इस तरह के वाक्य में, जो भी हो, हुर्रा हो, सैड का हो, उफ्स हो, इस तरह की बातें आती हैं वो सारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती हैं। जैसे हुर्रा, ठीक है, तो ये क्या है, यहां निशान लगाया और वी वॉन, तो ये किलकारी मान लीजिए एक किस्म से, जैसे हम किलकारी मारते हैं, ये वही तो है जीतने की खुशी में इसने ये लगाया है। तो अगर कई बार हम कह सकते हैं ओ, इस तरह से कह सकते हैं ओ माय गॉड, ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये जो जी है वो बड़ा लिखिए हमेशा, छोटे लिखने का मतलब है देवता अर्थ निकल जाता है इसका, और बड़ा जी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है भगवान। तो ये हमारे कुछ इस तरह के वाक्य थे। अब देखो मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वो किस तरह की बातें हैं वो ध्यान से सुनो। इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता भी पड़ती है, इन चीज़ों से काम अकेले नहीं चलता। अब बात ये आई, आपको वाक्य का भी पता चल गया कितने होते हैं, ठीक है,
एसरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ओपिटेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये पांच हो गए। देखो मेन तौर से तो देखा जाए तो चार ही हैं, क्योंकि ओपिटेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक में ही मानी जाती हैं लगभग। खैर आगे आगे हैं वही बात, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लिश की। अब बात होती है इंग्लिश के सेंटेंस लिखने की, इनको लिखने का पदक्रम क्या होता है, इनको लिखने का एक सार्थक क्रम क्या होता है। जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में। अगर मैं आपको ये बोल दूं एसरेटिव में, अगर मैं आपको ये बोल दूं एसरेटिव में, ठीक है, तो क्या आप समझ जाओगे मैं कौन से वाक्य की कह रहा हूं। अगर एसरेटिव सेंटेंस है तो उसमें सभी में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। मेरा कहने का अभिप्राय, चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों में एसरेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट डालना होगा। उसके बाद आपको क्या डालना होगा, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो डालनी होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके बाद आप मैन वर्ब भी रख सकते हैं। यानी मेरा कहने का अभिप्राय, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ मैन वर्ब इसका स्थान ले लेगी, ठीक है ना, वो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको लिखनी है उसके बाद में मैन वर्ब के बाद आपको क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक आपको लिखना होता है। आफ्टर दैट, अगर लास्ट लास्ट में अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप समय लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे देखिए सेंटेंस को एक लिखने का हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, इतना गहराई से नहीं जाएंगे। देखिए सबसे मेन तो यही चीजें चलती रहती हैं, बाकी तो देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद एडवर्ब भी हो जाती हैं, एडजेक्टिव भी हो जाती हैं, वो बाद में बात करेंगे जब उनके टॉपिक पर आएंगे। पहले इतना सीखिए, सबसे लास्ट में हमेशा समय लिखना चाहिए, चाहे सबसे पहले लिख दो चाहे सबसे लास्ट में लिख दो, लिखना ऐसे ही है। फिर कोमा लगाना पड़ेगा, सबसे पहले लिखोगे। लेकिन बात ये आई सब्जेक्ट की, एसरेटिव में ये तो हो गया अफर्मेटिव का, ये तो हो गया अफर्मेटिव का। दूसरा था हमारा नेगेटिव का, नकारात्मक, उसमें भी मैंने कहा है ना एसरेटिव में दोनों में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नोट, क्या आता है, नोट आता है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, मैन वर्ब। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन वी शुड यूज टाइम। तो इस तरह से हमें क्या यूज करना चाहिए, समय यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट सेंटेंस, और वो कौन सा था हमारा, इंटेरोगेटिव। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था इंटेरोगेटिव, बिल्कुल पढ़ा था। आज मैं इसके स्ट्रक्चर पर ही बात करने वाला हूँ, कुछ कराऊँ, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे इनकी। आज इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। मैंने कहा था ना वी शुड यूज फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा लिखिए सबसे पहले, उसके बाद कम से सब्जेक्ट, और फिर सेम का सेम चलता रहता है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क भी डबल तरीके से लिख सकते हो, नेगेटिव में भी लिखा जाता है और पॉजिटिव में, जिस तरह से यहाँ नोट, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ इस बात को लिखने के लिए भी, तो आप यहाँ नोट यूज कर सकते हैं, और फिर मैन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर आप सेम का सेम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ गया, आगे फिर वो समय आ गया। इसी तरह से इसी को नोट को हटा भी सकते हैं आप यहाँ से, अगर नोट हटाओगे तो फिर वो क्या मैं पढ़ता हूँ इतना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर इंटेरोगेटिव को, प्लस अ सब्जेक्ट, और नोट नहीं आएगा तो क्या आएगा, सीधा मेन वर्ब। क्या आएगी, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद टाइम, और लास्ट में क्या आएगा, इन दोनों के क्वेश्चन मार्क है चीन आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम ओपिटेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो ओपिटेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, ओपिटेटिव जो हमारा सेंटेंस था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको साथ में, ओपीटे, यहां टे क्यों बना, कई बार टे भी हो जाता है, कुछ ध्यान रखो, ये वाउल है और ये भी वाउल है, इस वाउल के कारण इसकी ध्वनि ए हो गई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ए हो और इधर बीच में एक कॉन्सोनेंट छोड़ के कोई वाउल आ जाए तो इसकी ध्वनि ए हो जाती है, चाहे वो बैड का बेड हो, चाहे वो मेक हो, चाहे वो टेक हो, और चाहे जैसे आज तक में तो तक होता है ना टीए के, लेकिन ई लगते ही ई की खुद की ध्वनि नहीं होती, लेकिन वो अगले की ध्वनि जरूर बोलता है, ओपिटेटिव, ठीक है, ओपिटेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या हमने क्या लिखा था, सबसे पहले मैन वर्ब, क्या लिखी थी हमने, मैन वर्ब, सॉरी ओपिटेटिव सेंटेंस है,
इसमें क्या होता है, जिस तरह से एक्सक्लेमेशन का कोई भी जो हम इच्छा व्यक्त करते हैं, विश करते हैं, तो जैसे मैं शब्द ज़्यादातर यूज करते हैं, तो आप एक छोटे बच्चे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक सी चीज़ें लेके चलिए, जिसमें आप सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं, मैं का ही यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपका सेम का सेम चलता रहता है, जिस तरह से मे यू लिव, यानी क्या हो गई है मैन वर्ब, क्या होगी यहाँ पर मैन वर्ब, ठीक है, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पर इस तरह से हम उसके बाद आपको जो भी चीज़ें यूज करनी है, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ या विशेषता डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की। हमने क्या पढ़ा था, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या डालनी होती है, सबसे पहले मैन वर्ब आती है, जैसे गेट आउट या जो भी, कम हेयर, तो यहां पर सबसे पहले क्या आता है, मैन वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होता है, और जिस सेंटेंस में हम सबसे पहले मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, जो कार्य की विशेषता है वो बतानी है, ठीक है, क्या बताना है, एडवर्ब, ठीक है ना, एडवर्ब आपको लिख देनी है। यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, विशेषता लिख दोगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसकी, अब जैसे देखो मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, तो यहाँ एडवर्ब आप डाल दोगे क्योंकि काम में विशेषता बता रहे हो। उसके बाद आप इंपेरेटिव के बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑपिटेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एसिरेटिव, हमने एक्सक्लेमेटरी पढ़ा था, लेकिन उसको तो देखिए सबसे आगे वो जब करेंगे उसको पता चल जाएगा आपको, लेकिन मेन तौर से हम अगर देखें तो ये चीज़ें थी जो आपने जान ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इससे अगर ज़्यादा इंग्लिश आपको हार्ड सीखनी है तो वो हमारे चैनल हरियाणा टाइम्स पर जाकर आप देख सकते हैं, बाकी आगे की वीडियो जो छठी से आगे की होती हैं, तब तक के लिए आप, अब जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, इंजॉय योर डे, थैंक यू।